हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी, जो हम बड़ा पाव बनाते हैं उसके लिए। तो इसमें हमने आलू को फोड़ कर मैश कर लिया है और उसे अच्छे से मसालों से हमने भून लिया है। तो बस इसके हम गोल गोल बॉल बना लेते हैं। इसमें खास बात यह रहती है कि इसकी जो बॉल होती है आलू वाली, थोड़ी बड़ी बनाई जाती हैं और इसको ही हम बड़ा कहते हैं। और इसको बेसन में डिप करके इस तरीके से इस पर कोट चढ़ाया जाता है और इसे डिप करके फ्राई किया जाता है, इसे डीप फ्राई किया जाता है। तो इस तरीके से हम बड़ी ही सावधानी से एक एक बॉल छोड़ कर इसे फ्राई कर रहे हैं और इन्हें अच्छे से तलेंगे। तो अब हम अपने पाव को काट लेते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो चाकू इस्तेमाल करना है वो धारी वाला ही करना है, क्योंकि इससे जो पाव है वो बहुत अच्छे कटते हैं। बिना धारी वाले को हमें नहीं लेना है। तो देख सकते हैं कि आप वीडियो में कौन सा मैंने चाकू लिया है। तो इस तरीके का चाकू आप लें तो इससे आपका पाव बहुत अच्छा सा कटेगा। और इस तरह से हमने बड़ों को तल लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस अब हम पाव को सेक लेते हैं। तो हमने तवे पर पाव को इस तरह से ऑयल लगाकर सेक लिया है। तो इस पर आप बेसन ही लगाएं या ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक लेते हैं और इन्हें ज़्यादा जला करके नहीं सेकना है और इन्हें हमें हल्का हल्का ही सेकना होता है। तो बस इस तरीके से हमने अपने पाव को तैयार कर लिया है और अब हम इन पाव को लगा लेते हैं। तो आप देखते जाइएगा कि पाव को किस तरह से लगाया जाता है। तो हमने चटनी तैयार की है जो सूखी बनाई जाती है, और हमने बूंदी की चटनी बनाई है। ये बूंदी और नमक मिर्च कटाई वगैरह मिला करके, यदि आप चाहें तो मूंगफली की भी बनाई जा सकती है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और पाव में ज़रूर से लगाई जाती है। तो हमने मिर्ची को भी तलकर तैयार किया है। ये मुंबई का बड़ा पाव बड़ा ही टेस्टी होता है और ये वहाँ का नामी फूड होता है। तो हमने पाव को लगाना आरंभ किया है। तो हमने हरी चटनी बनाई है और पाव के अंदर सबसे पहले हम चटनी को लगाएंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले चटनी को लगा रहे हैं। और चटनी को लगाने के बाद फिर उसके बाद हम इसमें बड़ा रखेंगे, लेकिन चटनी हमें ज़्यादा सी ही लगानी है। और इसके बाद अब हम ये सूखी चटनी लगा रहे हैं। तो सूखी चटनी भी ज़्यादा लगानी है और क्योंकि इससे इसका टेस्ट बनता है। और बस इसके बाद हमें इस पर बड़ा रखना है। तो अब हमने इस पर हरी मिर्ची भी रखी है तली वाली। तो इस तरह से हमारा बड़ा पाव बनकर के तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फूड है। तो इस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं और घर में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पाव बना सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड, जब बैचलर टाइम होता है तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं होता है, तो हम कढ़ाई में इस तरह से रोटी बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन हमें जो हैंडल है कढ़ाई का, उसे एक तरफ रखना है और इस तरीके से हम कपड़े से भी बना करके रोटी को तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रोटी कितनी अच्छी तैयार होकर हो जाती है और कढ़ाई में भी आप रोटी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल ट्रिक है। जब आपके पास तवा ना हो तो आप इस तरह से रोटी तैयार करें। कितनी अच्छी रोटी बनी है। तो बस इस पर हम घी चुपड़ लेते हैं और अब हम दूसरा पराठा बनाकर दिखाएंगे। इसमें पराठा भी बहुत अच्छा बन करके आएगा। तो जब आपके पास तवा ना हो तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकती हैं। लड़कियों को तो खासकर ये ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को आजकल पीजी वगैरह में जॉब के लिए या पढ़ने के लिए भी रहना पड़ जाता है। तो इस तरीके से अपने कम सामान में अपना काम चला सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हैंडल से आपको अपना हाथ बचाकर रखना है, हैंडल एक साइड को करना है। और बस इसी तरीके से आप पराठा भी बनाइएगा। देखिए कितने अच्छा पराठा बना है, सॉफ्ट और नरम, बहुत अच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस दुनिया के गांव या शहर से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और जो मुझे पढ़ करके बड़ी खुशी होगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देख सकते हैं कि पराठा और रोटी किस तरह से हमने कढ़ाई में तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी अपना काम चला सकते हैं। तो कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर कमेंट भी करना। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी खाली बोतल को लेकर। ये जो खाली बोतल होती है हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो हमने इसका रैपर हटा दिया है और इस तरह से हमने दो बोतल ली हैं और ये पानी की बोतल है। तो बस इन्हें हम चाकू गर्म करने के बाद थोड़ा सा होल बना देते हैं, इस तरह से हल्का सा कट का निशान लगाएंगे। और दूसरी बोतल में भी हम कट का निशान लगा देते हैं और बस इसे हम कैंची से काटेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा कट जाता है और जल्दी भी कट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकती हैं। तो हमें बोतल का ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए, तो इस तरह से हमने दो बोतल के ऊपर के पार्ट निकाल लिए हैं और इसका बहुत ही अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार होने वाला है। तो देखते रहिएगा, यदि आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी आप चिपका सकते हैं, या आपके पास इस तरीके से ग्लू हो तो आप इससे भी चिपका सकते हैं और क्विक फिक्स से भी चिपका सकते हैं और ये अच्छी सी चिपक सकती है। तो इस तरीके से ये कितना अच्छा सा एक टूल्स बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका भी यूज़ हम बताएंगे, ये बहुत बढ़िया यूज़ है अब इसका। तो ये हमने तैयार कर लिया है, तो बस इस तरह से ये खड़ा हो जाता है, आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके इस्तेमाल करना है हमें जब लाइट भाग जाती है या कुछ यदि हमें मोमबत्ती लगानी होती है या इसका प्रकाश करना होता है, तो इस तरीके से आप अपनी मोमबत्ती को लगा सकते हैं। इससे ऊंचाई बढ़ जाती है मोमबत्ती की, इससे हमें दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब जो बोतल का नीचे वाला पार्ट था इसका भी यूज़ हम बता रहे हैं। तो इसमें आप अपनी रील रख सकते हैं, तो इस तरह से रील को रखा जा सकता है। तो इसमें इस तरह से रील को रखने के बाद, तो अब जो दूसरा पार्ट है इसमें भी आप रील को रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम रील को लगा के रखें और इस तरह से ना तो हमारी रील गंदी ही होंगी और ना ही आपस में उलझेंगे। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, ये बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ हमने कबाड़ से जुगाड़ करके आपको दिखाया है। तो ऐसा फ्रेंड्स आप भी करके देखिएगा और आप इससे अपने पैसों की बचत कर पाएंगे। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे पर्स होते हैं या ज्वेलरी पर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चैन है वो ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं इन्हें उठा के फेंक दें, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हम ले एक मोमबत्ती और मोमबत्ती इसकी चैन पर रगड़ने के बाद हमारी जो चैन है बैग की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चैन कितनी अच्छे से लग गई है, और इसी तरह से इस बैग की भी मेरी चैन ख़राब है, तो इस पर भी मैं मोमबत्ती लगा देती हूँ, इससे मोम लग जाता है और ये अच्छे से चैन बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम पैसों की बचत कर पाते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने पैसों की और समय की बचत कर पाएंगे, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।